स्टूडेंट्स, ये भारतीय संविधान का 19वां पाठ है। अब चलिए और भी प्रश्नों को लेते हैं। तो आप बताएं, ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया था? जो मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा था, उस पर हस्ताक्षर कब किया था? 1315 ईस्वी में या 1215 ईस्वी में? किस देश ने 1789 में अपने नागरिकों को मूल अधिकार दिया? अमेरिका ने या फ्रांस ने? मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण किस देश के शासक को फांसी पर चढ़ा दिया गया था? ब्रिटेन के या फ्रांस के? फ्रांस के उस शासक का नाम बताइए जिसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। लुई 15वां या लुई 16वां? अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार को कब सम्मिलित किया गया था? 1891 में या 1791 में? सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? ब्रिटेन के संविधान में या अमेरिका के संविधान में? भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई? संविधान विधेयक 1890 या संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से? संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकारों पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में उप समिति की गठन किया गया था? वल्लभ भाई पटेल या जेबी किरपलानी? किस आधार पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते हैं? युद्ध एवं बाहरा आक्रमण के आधार पर या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर? इनका आप उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 12? संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं? अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 13? भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से या यूएसए से? आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद कौन है? केरल राज्य या भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य? मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई है?
अनुच्छेद 12 के अंतर्गत या अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किन किन न्यायालय को प्राप्त है? केवल उच्चतम न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को? थैंक यू वेरी मच। बार बार इसको आप रिवीजन कीजिए। ऑल द बेस्ट।